वेलकम टू ननूज एंड गैरीज किचन। सो चॉकलेट, चॉकलेट के साथ हम सबकी एक मेमोरी जुड़ी होती है कहीं ना कहीं, और हमारी फेवरेट चॉकलेट्स की लिस्ट में, आई गेस सबकी लिस्ट में एक चॉकलेट तो कॉमन है ही है, विच इज अ वेरी ओन फेवरेट, बाउंटी। सो बाउंटी इज बेसिकली नारियल बेस्ड चॉकलेट, कोकोनट बेस्ड चॉकलेट, रैप्ड इन चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट। रैप्ड इन ब्राउन चॉकलेट। सो आज माई मॉम इज मेकिंग बाउंटी चॉकलेट्स एट होम, सो लेट्स सी हाउ शी इज डूइंग इट। सो पहले हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है और उसमें डाला है मिल्क मेड, एंड नाउ शी इज मेकिंग यू नो द परफेक्ट साइज फॉर बाउंटी, एंड देन वी आर गोना रैप इट इन द डार्क चॉकलेट। एंड टेस्टी लग रहा है भाई, मजा आएगा। आज फिर से लॉकडाउन में मतलब बाउंटी मिल नहीं रही है, तो आज खाने को मिल ही जाएगी फाइनली। या दैट्स नाइस। सो गाइस स्टे ट्यून, आगे देखेंगे इसको डार्क चॉकलेट में कैसे रैप करेंगे, फिर उसके बाद चिल करेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। अब मर्जी है, डिनर से पहले खाना, डिनर के बाद, वो आपकी चॉइस है। सो स्टे ट्यून गाइस। फूडीज व्हाट्स अप, वंस अगेन वी आर बैक एट ननूज एंड गैरीज किचन, और हमने ये वीडियो छोड़ी थी यहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी कोकोनट बॉल्स को रेडी कर लिया है। मुझे पता है इट्स अ ब्लूपर गाइस, इट्स अ ब्लूपर, सॉरी, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं अपनी चॉकलेट मेल्ट, एंड चॉकलेट वी आर यूजिंग हर्शी क्रीमी मिल्क चॉकलेट, और इसमें हमने थोड़ा सा बटर डाला है, चॉकलेट डाली और ये मेल्ट हो रही है। सो मेल्ट होने देते हैं, मेल्ट होती है फिर इसको कैसे हम हमारी हाफ बाउंटी पे रैप करते हैं, एंड फिर देखते हैं, खाएंगे आराम से खाएंगे। एंड वैसे एक सीक्रेट है गाइस, इस वीडियो में मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि एक चीज और आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, मतलब अभी इसके बाद आने वाली है। सो बनते बने रहिए, एंड या वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, सो गाइस चीयर्स एंड लॉट्स ऑफ कुकिंग हैपनिंग टुनाइट, स्टे ट्यून्ड। आई एम बैक विद अ ड्रिंक डाउन, एंड फाइनली आवर चॉकलेट हैज मेल्टेड, एंड सी हाउ इट्स लुकिंग, एंड नाउ माय मॉम इज रेडी टू यू नो जस्ट कोट दिस चॉकलेट ऑन द बाउंटी व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड, एंड शी इज राइट नाउ ट्राइंग टू गिव दैट एक्चुअल बाउंटी शेप, एंड सी हाउ इट गोज। See how lovely it looks, and we had a nice layer of chocolate around it. It's looking so tempting. I can't wait to put one in my tummy. Check karni hai. Pehle taasta. And slight cut. Slight cut. That's nice. You know, that's kind of an ecstasy, man. Like it's a trip. Lovely. Like I can have loads of it. I can have tons of it right now. I'm craving so much. So guys, let the rest of the bounties get ready, and we will get back to you with the final video that how it finally looks after the chocolate gets frozen up. So stay tuned, people.